स्वागत है आप सभी का गीकी वर्स के एक और नए एपिसोड में। तो आज मैं आप लोगों को डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें द वॉचर देखने मिलता है जो कि सारी यूनिवर्सेस में ट्रेवल कर सकता है। वो कहता है कि उसने बहुत सारे वर्ल्ड्स और सिविलाइजेशंस को एंड और बिगनिंग होते हुए देखा है। कुछ पीसफुल होते हैं और कुछ बहुत दुखद। अब एक ऐसी ही वर्ल्ड के खत्म होने की शुरुआत को सभी विटनेस करो। अगले सीन में हमें रीड रिचर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी रहता है और उसके पास रहती है सुजन, जिसे वह आखिरी बार बात कर रहा होता है। वह सुजन से कहता है कि उसे कोई सेफ जगह चल जानी चाहिए और किसी ने कुछ चीज़ चोरी कर ली। सुजन बहुत दुखी रहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर वो बच्चों को छोड़े बिना वहाँ से नहीं जा सकती है। जिस पर रीड कहता है कि उसने बच्चों को नेगेटिव जोन में भेज दिया जहाँ पर वो चोर पहुँच नहीं सकता है, पर पोर्टल डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से अब वो उन बच्चों को वापस नहीं ला सकता, और इतना कहकर रीड की डेथ हो जाती। उसके बाद अचानक से एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है जिसे सुजैन पहचान लेती है कि वो जॉनी है, और वह अपने इनविजिबल होने वाले पावर्स को यूज़ करके उसके पास पहुंच जाती। आवाज के तरफ पहुँच कर देखती है कि जॉनी जमीन पर घायल पड़ा हुआ है और उसके पीछे डेडपूल बैठा हुआ है। डेडपूल कहता है कि उसने जितना सोचा था जॉनी ने उससे भी बढ़िया टक्कर दिया, और यह कहकर जॉनी को वो अपनी तलवार से मार देता है। इस समय सुजैन जॉनी के बिल्कुल पास खड़ी होती है और जॉनी के थोड़े से ब्लड उसके इनविजिबल बॉडी पर चली जाती है, जिससे डेडपूल समझ जाता है कि सुजैन वहाँ है और उसकी तरफ कूद जाता है। इतने में सुजैन विजिबल बन जाती है और वो कहती है कि डेडपूल ने सुजैन के फैमिली पर अटैक किया है और डेडपूल शायद फैंटास्टिक फोर के किसी एनिमी के साथ मिला हुआ है, और ये कहते हुए ही डेडपूल के हेड को वो ब्लास्ट कर देती है जिससे डेडपूल जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही सुजैन पीछे की तरफ घूमती है वैसे ही डेडपूल वापस उठ जाता है और उसे अपने ब्लेड से मार देता है, और कहता है कि कभी किसी भी दुश्मन को अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, स्पेशली तब जब एनिमी के पास हीलिंग फैक्टर होता है। अब हमें वॉचर कहता है कि कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई, कहानी की शुरुआत रेवनक्रॉफ्ट असाइलम से हुई थी। अब आप ऐसा समझिए कि रेवनक्रॉफ्ट डीसी की आर्कम असाइलम का काउंटर पार्ट है, जहां पर क्रिमिनली इंसेन म्यूटेंट्स या सुपर विलन्स को रखते हैं। वहां डॉक्टर बेंजामिन ब्राइटन एके साइकोमैन होता है जो पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट डिजाइन करता है। एक्समैन की टीम डेडपूल को लेकर हॉस्पिटल आती है। डेडपूल कहता है कि हाँ तुम लोगों ने बहुत मजाक कर लिया, अब तो मुझे खोलो और स्टॉर्म अब तुम्हारी बारी। लोगन कहता है कि वेड एक लूज कैनन है, पर वेड को डॉक्टर्स के हवाले देना सही नहीं है, ऑल्दो डॉक्टर्स कितने भी हाई स्किल्ड। जिस पर डॉक्टर बेंजामिन प्रोफेसर जेवियर को विश्वास दिलाता है कि वह डेडपूल का पर्सनली ख्याल रखेगा और प्रोफेसर को उसके टेक्निक्स पर भरोसा करनी चाहिए। इस पर डेडपूल कहता है कि इंस्टीट्यूशंस के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, जिस पर बेंजामिन अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और एक एविल वाला लुक देता है। अगले सीन में दो लोग डेडपूल को हगमी जैकेट पहना कर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अब डॉक्टर डेडपूल को बैठने के लिए कहता है और हमें डेडपूल के अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कहता है कि शायद वो डॉक्टर उसका बेस्टी बनना चाह रहा है। डेडपूल कहता है कि सारे थेरेपी सेशंस में उसने ब्लडशेड किया है, पर डॉक्टर उसे कहता है कि वो अपनी कहानी शुरू करे। डेडपूल के अंदर से आने वाली आवाज़ कहती है कि वही बचपन से गरीब होने वाली स्टोरी मत सुनाना, और दूसरी आवाज़ उसे कहती है कि हाँ इस बार कुछ नया ट्राई करो। अब डेडपूल कहना शुरू करता है कि वो एक कोल माइनर की बेटी पैदा हुआ था और उसे कोई खाने नहीं देता था। यह सब सुनकर डॉक्टर डेडपूल से पूछता है क्या वो ट्रेंड असासिन है ना, जो किसी भी तरीके की लड़ाई को कर सकता है और उसके पास हीलिंग एबिलिटीज भी है। यह सब सुनकर डेडपूल कन्फर्म करता है कि हाँ डॉक्टर ने जो पूछा वो सच है। यह सुनकर डॉक्टर अर्मिला से कुछ उठाता है और कहता है कि डेडपूल की बीमारी डॉक्टर ब्राइटन नहीं
साइकोमेंटिक कर सकता है, और यह कहकर वह डेडपुल को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे डेडपुल को बहुत दर्द होता है। डेडपुल के भीतर से आवाज आती है कि उस शॉक को रेजिस्ट करो क्योंकि उसे बहुत पेन हो रही है। डॉक्टर बेंजामिन कहता है कि बस अब सब ठीक हो गया है, और फिर नीचे बैठकर जैसे ही हेलो वेट कहता है, इसी पर डॉक्टर को आवाज सुनाई देती है तुम्हें दूसरे ओपिनियन की जरूरत है। और यही कहते कहते डेडपुल खड़ा हो जाता है, उसकी फोर्स से डॉक्टर गिर जाता है, और जैसे ही डेडपुल उसे मारने लगता है वो साइकोमैन वाले सूट में चेंज हो माइक्रोस्कोपिक हो जाता है। और फिर डेडपुल उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और अपने रिलीज पेपर्स पर उसे पटक देता है जिससे उस डॉक्टर के खून से भरे हुए स्टैम्प पेपर बन जाते हैं। डेडपुल वहां मौजूद दूसरे क्रिमिनल्स को भी आग से जला देता है। वह सब वह अपने अंदर से आने वाली वॉइस को सुनकर करता है। उसके बाद हमें वॉचर फिर से देखने मिलता है जो कहता है कि किसी रियलिटी में साइकोमैन ने एवेंजर्स को मारा, किसी में एवेंजर्स ने साइकोमैन को, बट इस रियलिटी में साइकोमैन ने किलर को जन्म दे दिया है। और इतने ही कहते कहते उसे एक शॉक लग जाती है। वहाँ पीछे डेडपुल मौजूद रहता है जो कहता है कि उसने कॉमिक टेजर का यूज किया है और उसने मिस्टर फैंटास्टिक के लैब से उसे चुराया था। अब उसे वॉचर से केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि वो किससे बात कर रहा। इस क्वेश्चन का आंसर वॉचर नहीं करता है और डेडपुल वॉचर को मार देता है। और इसी के साथ इशू 1 कंप्लीट हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और इसकी पार्ट 2 जल्दी आएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।